वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पाव भाजी। जिसके लिए हम एक प्रेशर कुकर में तेल डालेंगे, उसमें डालेंगे जीरा, अब उसमें डालेंगे आलू। मैंने दो आलू लिए हैं। अब इसमें इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। अब इसमें डालेंगे दो सूखी लाल मिर्च, इससे थोड़ा कलर चेंज होगा इसका। अब इसमें डालेंगे मटर, अब इसमें डालेंगे गाजर और फूलगोभी। आप इसमें फ्रेश बीन्स भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें दो हरी मिर्च डाली है मैंने, इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। और अब इसमें डालेंगे एक छोटी बीटरूट। इसमें आपको ग्रेवी में कलर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीटरूट से ही इसमें कलर आ जाएगा। अब इसमें डालेंगे आधा गिलास पानी। अभी हमने इसमें डालने हैं टमाटर। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 3 से 4 विसल लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमने लिए 3 प्याज और 2 शिमला मिर्च, जिनको हमने ब्रिक ब्रिक काट लेना है। जब हमारे कुत्ते के 2-3 सीटियाँ लग गई, अब इसका ढक्कन खोल के हम इन सारी सब्जियों को मैश कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में लेंगे बटर, इसमें 2 से 3 चम्मच हम डालेंगे तेल। अब इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज और इसको हमने हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए, अब इसमें हम करेंगे शिमला मिर्च बारीक कटी हुई ऐड। जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, अभी फिर इसमें डालेंगे हम अब
अब इसमें डालना है हमने अदरक का पेस्ट, मेरी थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है जो बन नहीं पाई। मैंने इसके बाद इसमें डाला था कश्मीरी लाल मिर्च और पाव भाजी मसाला। मैंने दो और आधा चम्मच डाला था पाव भाजी मसाला। अब इसमें डालेंगे हम नमक, अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे हमने जो मैश की हुई सब्जियां हैं वो, इसको अच्छे से हिला लेंगे। इसको मैश करेंगे दोबारा। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। पाँच से दस मिनट अब इसको सीक लगाना है हमें, फिर ये रेडी है। एंड पे हमने इसमें डालना है नींबू, धनिया और थोड़ा सा मक्खन। मैंने इसमें डाला है एक नींबू और थोड़ा धनिया। अब एक फ्राई पैन में मक्खन लेंगे और इसमें थोड़ा सा डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया। और मैं इसमें रखूंगी पाव ताकि हल्का सा पाव रोस्ट हो जाए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी हमारी रेडी है पाव भाजी, बिल्कुल स्वीट टाइप। थैंक यू।